ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हरियाणा कैबिनेट का विस्तार हुआ है, कुछ नए चेहरे आए हैं, कुछ पुराने चेहरों की छुट्टी की गई है, विभागों में फेरबदल हो सकता है। चलते हैं सीधे चंडीगढ़, जहां से हमारे सहयोगी अनिल कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल, फिलहाल जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, कयास ये लगाए जा रहे हैं, कहा बहुत कुछ जा रहा है, लेकिन जो कयास लगाया जा रहा है उसके मुताबिक अपनी इमेज को क्लीन करने की कोशिश की गई है। जिन जिन चेहरों पर दाग लगा था उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। विपक्ष भी बार बार यही बात कह रहा है, असलियत आपको नजर क्या आती है? क्या वाकई दागदार चेहरों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए, जिस तरह से मंत्रिमंडल का ये विस्तार हुआ है, दो मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इसमें से अगर एक मंत्री विक्रम ठेकेदार की बात की जाए तो उन पर आरोप लगे भ्रष्टाचार को लेकर, और उनके द्वारा राव इंद्रजीत को लेकर जो बयान दिया गया था कि उनके ही दम पर हरियाणा में सरकार बनी है, और उसके बाद उनका एक विवाद जिस तरह से घिरा था बीजेपी के नेता से, और संगठन में भी वो नेता मजबूत हैं, उसके बाद से ऐसा लगभग तय माना जा रहा था कि उनका बाहर जाना तय है। और घनश्याम शराफ को पर भी यही इसी तरह के कुछ आरोप थे, और साथ ही हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कामकाज की समीक्षा के बाद बाहर का रास्ता दिखाया गया है दोनों ही मंत्रियों को। राज्य मंत्री जो घनश्याम शराफ है और विक्रम ठेकेदार हैं, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है, लेकिन इसके पीछे वजहें कुछ और भी नजर आती हैं। जी बिल्कुल, अनिल को सुना आपने, यहाँ पर भाटी साहब साफ साफ कह रहे हैं कि हाँ, क्लीन करने की कोशिश तो की गई है, आरोप तो लगे हुए थे। भाटी साहब देखिए, ये आपकी अपनी शब्दावली है, और अब आपकी अपनी शब्दावली उसके लिए क्या कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताता हूं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो आपने किसी कह दिया कि अनिल कुमार जो बोल रहे हैं उनकी शब्दावली है। देखिए सुनिए, गुलिया साहब जो बोल रहे हैं उनकी शब्दावली, लेकिन आप भी तो कुछ बोलिए, आपकी शब्दावली क्या कहती है? आरोप प्रत्यारोप की बिल्कुल कोई बात नहीं है। काम की, अभी जैसे उन्होंने कहा है, अनिल कुमार जी कह रहे थे कि काम की समीक्षा की गई है, बिल्कुल काम की समीक्षा भी है कि भाई काम हुआ और आगे और ज्यादा काम करना है, अच्छा और करना है, और हमारा जो अपना एजेंडा है उसको पूरा करना है। प्रदेश को हमने बहुत कुछ दिया है, मतलब और हमारी देने की कोशिश है कि ये जो मंत्री के बहुत तेजी से विकास है। भाटी साहब ये कहना चाह रहे थे कि ये जो दो मंत्री हटाए गए हैं बहुत तेजी से काम नहीं कर पा रहे थे, आपके पास इससे अधिक काबिल लोग थे इसलिए इनको हटा दिया गया, ऐसा कह रहे हैं? सुन लीजिए, बताइए भाटी साहब। भाटी साहब आपसे सवाल है। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है कि काबिल नहीं थे, ये इस तरह का आप आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकते। देखिए, ये जो है काम उन्होंने अच्छा किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन काम को और विस्तार देना है तो और टैलेंटेड लोगों को जोड़ना पड़ेगा और योग्यता वाले लोगों को जोड़ना पड़ेगा, इसलिए मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, और दूसरी बातों से जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। बिल्कुल काम किया है उन्होंने, वो मतलब सामाजिक सौहार्द को बनाकर रखने में कामयाब नहीं हुए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक भी इंस्टांस ऐसा नहीं है जिसमें सामाजिक सौहार्द उनकी तरफ से बिगड़ा हो। आप अवस्थी जी, एक भी इंस्टांस आप ये नहीं बता सकते कि जो दोनों मंत्री हैं उनकी वजह से कहीं पर भी कोई किसी भी तरह का कहीं कोई सामाजिक सौहार्द में कोई कमी आई हो, इस तरह का आरोप आप नहीं लगा सकते। अवस्थी जी, दो बातें, अगर काम के ऊपर समीक्षा होती तो मैं जैसे पहले कह चुका हूँ, सारे के सारे ही बदल जाने चाहिए थे। और जो शिक्षा की जो आज हरियाणा प्रदेश के अंदर हालात है वो किसी से छुपी नहीं है। अगर काम के ऊपर बात होती तो सबसे पहले रामविलास शर्मा को बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए था, क्योंकि शिक्षा की जो बदतर हालत, सबसे पहले कहते हैं जो शिक्षा के, ये वाला विभाग नहीं बिका होगा, इसका कोई खरीदार नहीं मिला, शिक्षा की जो हालत जब लास्ट आज के दिन जो दिखाता है कि कैसे विभाग के लिए मंत्री यहाँ के आज के दिन है, उस इतनी बदतर स्थिति कभी हरियाणा प्रदेश के अंदर रही नहीं। और अवस्थी जी, एक दूसरी बात, जिनकी ये मनीष ग्रोवर जी की ये बात करते हैं ना कि रोहतक के अंदर आपसी सावध और आपसी भाईचारे का माहौल बनाने का उन्होंने काम किया था, मैं ऑन एयर और टीवी पे कहता हूं, जब रोहतक जल रहा था मनीष ग्रोवर जी रोहतक को छोड़ करके भाग गए थे, रोहतक के अंदर मौजूद नहीं थे वो। एक भी उनकी वीडियो, एक भी उनकी स्टेटमेंट अगर रोहतक के अंदर उस दौरान की दिखाई जाए, और बल्कि मनीष ग्रोवर नहीं, आपको शोभा नहीं देता ऐसा, नहीं नहीं, ऐसा आधारहीन और बिल्कुल औचक रहित ऐसा बयान आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता। आप एक भी अखबार की कटिंग, एक भी कोई ऐसा प्रूफ दिखा दीजिए जो जिस बात को आप कहते हैं, ये बिल्कुल गलत आपका बयान है। शामिल किया गया है, क्या लगता है किस चीज का इनाम मनीष ग्रोवर को मिला, और क्या आखिरकार काबिलियत दिखाई पड़ी उनके अंदर मुख्यमंत्री को?
जी देखिए, मनीष ग्रोवर को शामिल किया गया है, इसके दो कारण जो हैं वो सामने हैं। देखिए, एक तो माना जाता है कि जो मनीष ग्रोवर हैं उनकी मुख्यमंत्री से काफ़ी नज़दीकियां हैं, इसका एक ये उन्हें फ़ायदा हुआ। और दूसरा, अगर रोहतक की बात की जाए तो वहां पर अपने जो गढ़ है वो मजबूत करने को लेकर जो सरकार है उसकी तरफ से मनीष ग्रोवर को वहाँ पर मंत्री बनाया गया है। वहाँ से जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं उनके गढ़ से वो जीत कर आए हैं और इसी का इनाम उन्हें आम मिला है। जी बिल्कुल, यहाँ पर वंदा जी, आपके जो मुख्यमंत्री हैं पूर्व सरकार में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके गढ़ को ध्वस्त करने की कोशिश बीजेपी ने यहाँ पर की है। मनीष ग्रोवर को मंत्री बना दिया गया है, उनका कद बढ़ा दिया गया है, वहाँ से जीत कर वो आए थे, ऐसे में कितना मुश्किल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़? नहीं, ऐसा कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक बात का जवाब देना चाहूंगी। अपनी बात दे रही हूँ मैं, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है, जहाँ तक आप हरियाणा जलने की बात कर रहे हैं, अभी गुलिया जी भी बता रहे थे कि वो रोहतक को छोड़कर चले गए थे, तो जनता को सब दिख रहा है, जनता को सब मालूम है, भाग गए थे। मेरी बात पूरी होने दीजिए। चैनल पर बैठकर और आधारहीन बातें करना ये बिल्कुल ही गलत। आपने अभी अभी आधारहीन बात की, आपने कोर्ट को भी चैलेंज कर दिया। आपने एक भी आपने अभी अभी कोर्ट को चैलेंज कर दिया। आपने टीवी भाटी जी, अभी भाटी जी आपने भूपेंद्र सिंह का नाम लिया यहाँ पर, आपने मुझे गाल बताइए, कोई औचित्य नहीं होता। आप पहले मेरी पूरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए पहले। भाटी जी, बात सुनिए, शहर में नहीं आया उस समय। आप मुझे एक बात बताइए, आप पहुंच गए, बचा लिया आपने, बचा लिया आपने, बचा लिया क्या? बंदा जी बताइए, क्या रोहतक जलने से बच गया? मुझे एक बात बताइए। अच्छा बंदा जी, आपको मेरा सवाल है, पहले पहले मेरी बात नहीं, आपकी बात बात कंप्लीट करने दीजिए। जी बोलिए। भाटी जी अभी जो है यहाँ पर चैलेंज कर रहे थे कोर्ट को, आप कह रहे हैं आधारहीन बात कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, आप वरिंदर सिंह जी का नाम ले रहे हैं, प्रोफेसर वरिंदर जी का, कि आपको मालूम है कोर्ट ने भी उनको निर्दोष साबित किया कि कहीं पर भी कोई भड़काने की बात नहीं थी, आपको इस चीज का मालूम है? आप अभी बात पूरी सुनिए, बात पूरी सुनिए, भड़काने की कोई बात नहीं थी, ये आ चुकी है सामने बात। और दूसरी बात, आप अभी आरोप लगा रहे थे कि जो इनेलो पार्टी है वहां पे भ्रष्टाचार हुआ था, क्या आप साथ में नहीं थे? आप एक बात बताइए, क्या आप जिम्मेवारी से बच सकते हैं? क्या आप साथ में इन्वॉल्व नहीं थे? आपकी सरकार साथ में नहीं थी? आप ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं, क्या आप अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं? सवाल है, आपने रोहतक की बात कर दी, आपने मनीष ग्रोवर पे आरोप भी लगा दिए और ये भी कह दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर को खतरा नहीं। लेकिन आपको वो तस्वीर याद है जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने घर के सामने आ रहे थे तो किस तरह से उनका विरोध हुआ था, क्यों उनके ऊपर चप्पलें फेंकी गई थी, ऐसा क्यों हुआ था? क्यों नाराज थे? जिनकी दुकानें जलाई गई वो हुड्डा जी से क्यों नाराज थे, ये बताइए। जितने भी जाट नेता पहुंचे सबके लिए दरवाजा बंद किया गया था, इवन मुख्यमंत्री के लिए भी। तो आप इस तरह का इल्जाम मत लगाइए, लोगों का गुस्सा था उस समय का, जिस जगह पे वो जहाँ से वो जीत के आते हैं, जहाँ पर वो रहते हैं, उनके घर के सामने। आप एक बार की मैं बात कर रहा हूँ, पूरा वहाँ पर इतना नाराज लोग लोगों थे? का गुस्सा था, जिन लोगों की दुकानें जलाई गई उन्हें नाराजगी क्यों थी? लोगों का गुस्सा था क्योंकि रोहतक जला था, इसलिए गुस्सा था। और ये सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ नहीं हुआ था, ये बाकी जो भी मंत्री जिस भी पार्टी के गए थे वहां पर ऐसा हुआ था। अशोक तंवर जी गए तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, उन्होंने पार्टी की बात ना करें, ये जो कास्टिज्म का बीच में। गुलिया जी मेरी बात पूरी होने दीजिए, जब डॉक्टर अशोक तंवर जी गए तब उनकी बात को सुना, क्योंकि ये जो कास्टिज्म का जहर घुला है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में घुला है, जिसकी वजह से लोग मतलब अशोक तंवर से नाराज नहीं है, हुड्डा जी से नाराज है? नहीं, ये कास्टिज्म का नाराज नहीं है, करण चौधरी से भी बता दीजिए उनसे चाहिए। आप अपनी कहां कर रहे हैं? कैप्टन अजय सिंह यादव का भी बता दीजिए। आप अपनी पार्टी देखिए, आप हमारी पार्टी के बारे में बात मत करिए, आप अपनी पार्टी संभालिए। अरे अपने मंत्री रणधीर सिंह अपनी वास ने इल्जाम लगाया था कि ऐसी पार्टी जिसने अपने लोगों को जला दिया। आपके जो मंत्री है कंबोज, वो क्या कहते हैं कि इतना बुरा हाल था, सिर्फ दो मंत्रियों के हाथ में सौंप दिया गया, वो थे धनखड़ और कैप्टन अभिमन्यु। क्या आप इनसे इनकार कर सकते हैं? चलिए अजय जी आपके पास आता हूँ, वंदना जी की बात पूरी हो गई। आपको लगता है कि मनीष ग्रोवर को अगर उनका कद बढ़ाया जाता है, उनको मंत्री बनाया जाता है, तो हुड्डा के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, उस गढ़ को खत्म करने की कोशिश बीजेपी कर रही है? देखिए,
प्रसाद जी अपना गढ़ मानते थे वो तो पहले ही ध्वस्त हो चुका है। देने की कोशिश की गई है जरूर मनीष ग्रोवर को और कोशिश सरकार। तो जो गढ़ की बात आप करते हैं, गढ़ तो उनका अब कोई बचा ही नहीं है। मैं आपको चैलेंज और दावे के साथ कह सकता हूं कि जिसको वो अपना गढ़ मानते थे रोहतक सोनीपत और झज्जर, उनके लोगों ने उनको अब आईना दिखाना शुरू कर दिया और वो दिखाएंगे भी आगे। और मनीष ग्रोवर जी की जो आप बात करते हैं वस्ती जी, मैं कोट करता हूं मनीष ग्रोवर जी ने क्या कहा, कोट कर रहा हूं मैं, कोई भी इसमें शब्द इधर उधर नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि गुजरात के अंदर दंगे हुए, उसके बाद 12 साल तीन प्लान तक लगातार नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रहे, अब हरियाणा प्रदेश के अंदर भी दंगे हो गए हैं तो मनोहर लाल खट्टर जी तीन प्लान तक लगातार मुख्यमंत्री रहेंगे। इस प्रकार की बयानबाजी क्या किसी विधायक को, क्या किसी नेता को शोभा देती है? उनको इस बात का इनाम दिया गया है सीधे तौर पर, सीधे तौर पर इनाम। मैं एक एक वर्ड मैंने कोट किया है, कोई भी गंभीर आरोप मरीज ग्रोवर पर गंभीर आरोप। देखिए ये आधारहीन आरोप लगाए जा रहे हैं और बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, आप वीडियो चलवाइए, आप वीडियो चलवाइए, क्लिप निकाल गुलिया जी, आप सुन लीजिए, आपकी बात हो, सुन लीजिए वंदना जी, सुन लीजिए, आपकी बात होगी ना, आपको समय मिला। ये आधारहीन बातें हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है, कोई क्लिप नहीं है, कोई पेपर की कटिंग नहीं है। दूसरी बात, ये कहते हैं कि हुड्डा जी का गढ़, हुड्डा जी खुद कहते थे कि रोहतक मेरा गढ़ है, चारों तरफ से पैसा लेके उन्होंने रोहतक में लगाने की कोशिश की, वो भी लगाया नहीं, वो पैसा भी भ्रष्टाचार में चला गया। आप एक भी स्थान सुन लीजिए जरा, वंदना जी सुनिए जरा। दूसरी बात, आप कहते हैं मनीष ग्रोवर जी को ये एक उपहार दिया गया है, ठीक है, पार्टी काम करना चाहती है, अगर आप मानते हैं रोहतक की जनता भी हमारी जनता है, हमारी प्रदेश की जनता है, अगर उनको उनको एक मंत्री मिला है तो इससे बढ़िया खुशी की बात और क्या होगी। आप देखिए इसमें इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई भी जिला प्रदेश का किसी के साथ बंधा हुआ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सभी की पार्टी है, सबके लिए लोग काम करती है। और बातचीत हमारी चर्चा ब्रेक है भाटी साहब, ब्रेक के बाद दौड़ कर आएंगे तो बातचीत करेंगे आखिरकार क्या वाकई मनीष ग्रोवर को इनाम मिला है, दूसरी बात की और दो मंत्रियों को अगर जगह मिली है तो इसके पीछे की वजह क्या है, चर्चा हमारी लगातार जारी है।